हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हार्मोन के बारे में जिसका नाम है इंसुलिन। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंसुलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन क्या होते हैं? अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है कौन? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, उन्हें बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होते हैं? बीटा सेल होते हैं। उन बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो हमारी ब्लड में जब आता है, पेनक्रियाज से जब इंसुलिन निकल के ब्लड में आता है, तो ये क्या करता है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका है? इंसुलिन का काम है। और इस तरीके से क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचाता है ब्लड से, और सेल्स में क्या होता है? फिर उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है और उससे ATP का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12th की जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है उससे रिलेटेड इंसुलिन के बारे में। देखो, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इंसुलिन होता है पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। बट जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, पहले जब इंसुलिन बनेगा तो वो किस फॉर्म में बनता है? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। कई लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा बायोटेक्नोलॉजी में। इंसुलिन जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। तो ये क्या है? एक इनएक्टिव इंसुलिन है, ठीक है, जो ये अभी बना, या प्रो इंसुलिन। इसके अंदर क्या होती है? तीन चेन होती है प्रोटीन की, ए चेन, बी चेन और सी चेन। कितनी चेन होती है? ए चेन, बी चेन और सी चेन। अब जो ए चेन और जो बी चेन होती है ये आपस में जुड़ी रहती है डाइसल्फाइड ब्रिज से। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो प्रो इंसुलिन है उसके अंदर कितनी चेन होती है? ए चेन, बी चेन और सी चेन, जो कि इनएक्टिव इंसुलिन है। तो तीन चेन जो है उसमें से सी चेन को आप एक तरफ करो, ए और बी जो चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। दो SS इस तरीके से बॉन्ड होंगे, उससे जुड़ रहते हैं। ठीक है, ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में फिगर में भी देख लिया होगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। अब ये है प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। क्या होता है? इंसुलिन जब बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन और एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन में क्या अंतर होता है? देखो, जो इनएक्टिव फॉर्म है उसके अंदर तीन चेन बोली थी, ए चेन, बी चेन और सी चेन। बट लेकिन जो एक्टिव इंसुलिन होता है उसके अंदर सिर्फ दो ही चेन होती है, ए चेन और बी चेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रो इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? इंसुलिन से जो सी चेन है वो हट जाती है और सिर्फ एक्टिव इंसुलिन के अंदर ए चेन और बी चेन बचती है, जो कि इस डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड और किस मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब ये बन गया एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रो इंसुलिन से एक्टिव इंसुलिन बना, ये सेल में कहाँ बनता है? ये बनता है गॉल्गी एपरेटस के अंदर। क्या बोला? जो प्रो इंसुलिन है वो एक्टिव इंसुलिन में कब कन्वर्ट होता है? जब प्रो इंसुलिन गॉल्गी एपरेटस के अंदर एंटर करता है। तो गॉल्गी एपरेटस के अंदर क्या होती है? पैकेजिंग होती है प्रोटीन की और मॉडिफिकेशन होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? इंसुलिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एक्टिव इंसुलिन बनाया था बायोटेक्नोलॉजी की मदद से? तो उसका नाम है इली लिली कंपनी। ये US की कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को NCERT का ज्ञान। बाय बाय।